मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही दूसरी पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दावा है कि वो 128 सीट जीतकर एक आदिवासी को प्रदेश का मुखिया बनाएगी। देखिए रिपोर्ट। महाकौशल का केंद्र यानी जबलपुर, और जबलपुर से ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। जबलपुर में आयोजित जीजीपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में, जहां पूरे एमपी के कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि एमपी विधानसभा चुनाव में वो 128 सीटें जीतकर आदिवासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, और अगर ऐसा न हो सका तो बिना जीजीपी के सहयोग से कोई भी पार्टी प्रदेश में सरकार नहीं बना सकेगी। कि हम तो 128 सीट में जीतने का दावा हम कर रहे हैं, और इसको 128 सीट में यदि हम जीत गए तो पूर्ण रूप से हमारी सरकार बनेगी, और यदि नहीं बनी तो हमारे बगैर मध्य प्रदेश की सरकार ना तो कांग्रेस बना पाएगी ना भाजपा बना पाएगी, ये तय। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि एमपी में लगभग 23% जनजाति के लोग रहते हैं, इनमें से लगभग 15% से ज्यादा गोंड जनजाति के लोग हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आकलन के हिसाब से सिर्फ गोंड जनजाति की आबादी ही 15% से ज्यादा है, ऐसे में ये वोट निर्णायक साबित होंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की नहीं है, ये गोंडवाना भूभाग में रहने वालों के दुख दर्द को हरने वाली पार्टी है। 2018 के चुनाव की स्थिति अगर फिर से बनी तो छोटी पार्टियों के लिए ये बड़ा अवसर साबित हो सकता है, और इसी को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। अभिषेक शर्मा, IBC24, जबलपुर।